भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की हत्याकांड मामले में बेमियादी हड़ताल के दौरान चौराहे पर अब प्रदर्शनकारी बैठ चुके हैं। दुकान खुली मिलने पर सब्जी विक्रेता को पीट भी दिया है, दुकानदार की डंडे से जमकर पिटाई की गई है और मारपीट की घटना का आधे व्यापारियों ने विरोध किया है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सदर बाजार चौराहे पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल मामला ये था कि 8 मार्च को एक बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई, होटल में घुसकर गोली चलाई गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हो नहीं पाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब पूरा व्यापारी वर्ग जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन के दौरान दुकानें खुली करने के चक्कर में एक दुकानदार को पीट दिया गया और मारपीट की घटना के बाद अब जो आधे व्यापारी वर्ग हैं इस दुकान बंद करने का विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग ये भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन इस बीच एक दुकानदार जिसने फल विक्रेता था, सब्जी विक्रेता था, उसकी दुकान खुली थी जिसके चलते उसे पीट दिया गया, मारपीट की गई, डंडे से उसे पीटा गया है, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। यानी बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एक तरफ जहां व्यापारी वर्ग प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक व्यापारी जिसने दुकान खोल रखी थी उसकी पिटाई कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है।